यानी उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है कि एडवर्प्रेज। बेटा जैसे मैंने कल भी ये बताया था कि जो भी वर्ड हो, यानी जाहिर है एक तो वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो जिसका जो नाम होता है, तो उसके साथ आप मजीद बाकी जो वर्ड्स ऐड करेंगे तो उससे एडवर्ब हो जाता है। तो हर एक के अपने अपने वर्ड्स हैं, हर एक के अपने अपने जो वो कंपोनेंट्स हैं यानी पार्ट ऑफ स्पीच के, एडवर्ब के अपने होते हैं, एडजेक्टिव के अपने होते हैं, नाउन के अपने होते हैं। भले एक भी उसके साथ लग जाता है तो भी वो फ्रेज बन जाएगा, भले एक भी लग जाए, भले वो वर्ड अगर डबल लगता है, यानी वो सेम वर्ड अगर डबल लगता है, डबल इस्तेमाल हो जाता है तो भी फ्रेज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखें इनके साथ, आप देखो क्या क्या इस्तेमाल आप कर सकते हो, यानी इनके साथ यानी एडवर्ब्स के साथ, ये एक तो ये इस्तेमाल वर्ब के साथ होता है, तो आप देखें इनके साथ आप एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब ऐड करेंगे मतलब डबल एडवर्ब, यानी एडवर्ब प्लस एडवर्ब। अगर एडवर्ब प्लस एडवर्ब होगा ना तो बेटा देखें ये क्या कहलाएगा, इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज। क्योंकि एडवर्ब के साथ क्या इस्तेमाल होता है, एडवर्ब इस्तेमाल होता है, ये एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। एक बात देखो इस तरीके से होती है। दूसरा ये कि अगर इनके साथ कोई नाउन या कोई ऐसी चीज आ जाती है तो भी आप देखें, यानी हम तब हम डिटर्मिनर देते हैं, हालांकि डिटर्मिनर इतना मतलब फ्रीक्वेंट नहीं है इसके साथ इस्तेमाल करना, लेकिन अगर नाउन होता है तो जैसे कल हम अ वीक दे रहे थे, अ डे दे रहे थे, देखो टाइम वाले वर्ड्स हैं खासतौर पर, अ वीक अ डे, ठीक है, हमने देखो इस्तेमाल कर लिया इस तरीके से, यानी ईच डे या एवरी डे, ठीक है, या एवरी नाइट, ये देखो टाइम वाले, एवरी वीक, अब ये एवरी ईच वगैरह क्या ये डिटर्मिनर है, लेकिन डे ये टाइम वाले वर्ड्स इनको एडवर्ब कहा जाता है। तो मतलब ये हो सकता है, यानी ऐसे अल्फाज लग सकते हैं, अगर दो अल्फाज आ जाते हैं तो हम यानी उसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, लेकिन आप देखिए एडवर्ब प्लस एडवर्ब इस्तेमाल होता है तब ये एडवर्ब फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, यानी इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मेरा बेटा, यानी इसको मजीद हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ये किस तरीके से होता है। आप देखें यानी एक पढ़ाई देखो, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली देखो, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली वेल, अब देखो दोनों एडवर्ब्स हो गए, अब ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, यानी एक एडवर्ब ये लिखा हुआ है आपका और दूसरा देखो एडवर्ब ये दिया हुआ है, तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखें वेरी वेल, तो बेटा ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया, मतलब ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब, ये दोनों एडवर्ब हो गए, ये भी एडवर्ब हो गया और ये भी एडवर्ब, मतलब दो एडवर्ब मतलब प्लस करें वो फ्रेज हो जाता है, ठीक है, वो आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। ऐसे कई अल्फाज जो आप इस्तेमाल करें, जैसे आप देखें टू वीक, देखो टू टू वीक नहीं होगा क्योंकि वीक जो होगा एडजेक्टिव में आ जाता है, ठीक है बेटा, वीक किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा, वीक हम किस में इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव में इस्तेमाल करते हैं, हे तो एडवर्ब लेकिन टू होता है, या अगर मतलब एडवर्ब नहीं आता वीक एडजेक्टिव हो जाता है, अगर आप इसके साथ किसी दूसरे एडवर्ब के साथ आप इस्तेमाल करें तो वो सही हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है आपका, अदरवाइज देखो आपका गलत हो जाता है, तो टू वीक मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दो एडवर्ब में आपको बोल रहा हूं, जैसे आप देखें यानी जेंटली, बेटा जेंटली, अब देखो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, आप पूछ रहे हैं कि पता नहीं पड़ रहा कैसे एडवर्ब फ्रेज बना है, तो ये आपके एडवर्ब फ्रेज है जो कि एक्शन वर्ब के साथ, जैसे आप देखें यानी ही मूव्ड सरप्राइजिंगली वेल, ठीक है, ही डिड वेरी वेल, ही स्पोक जेंटली एंड पोलाइटली, कोई भी वर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं हम इनको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। बेटा ये एडवर्ब फ्रेज हो गए क्योंकि दो दो एडवर्ब्स लग रहे हैं, देखें ये भी एडवर्ब हुआ आपका और ये भी एडवर्ब हुआ, ठीक है, एडवर्ब ये देखें दोनों दोनों एडवर्ब हो गए, ही मूव्ड जेंटली एंड पोलाइटली, ओके अहेड, ठीक है, या ऑन ईच डे, देखो ईच डे, ही मूव्ड जेंटली एंड पोलाइटली ऑन ईच डे, डे ईच डे भी आ सकता है, अब देखो ईच डे वहां भी आ गया, तो ये फ्रेज इस तरीके से आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। बेटा समझे, अभी भी अगर कोई मसला हो तो बताएं, या फॉर एग्जाम्पल आप देखें मच मोर केयरफुली, मच मोर ये कंपैरेटिव हो गया एडवर्ब का, देखें मच मोर केयरफुली, ठीक है, शी डिड, शी जो पास्ट या शी जो वो
वॉक ओके आप देखो वॉक्ड शी वॉक्ड अब हो गया देखो मच मोर केयरफुली पूरा फ्रेज एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो आप पूछे ना आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है बेटा दो एडवर्ब्स होते हैं क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है क्वालिफाई करता है इसीलिए वो क्या हो जाता है यानी एडवर्ब फ्रेज हो जाता है बेटा वो एडवर्ब फ्रेज हो जाता है ठीक है ना उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब फ्रेज। अब आपको अगर भी अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कोई सेंटेंस लिख के मुझसे पूछे डायरेक्ट ताकि मुझे पता पड़े कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। देखो मैंने आपको बता दिया है एडवर्ब फ्रेज बिल्कुल क्लियरली इस तरीके से होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था जो मेनर वाला होता है बेटा कल मैंने आपको ये बताया था कि एडवर्ब आप जो मेनर होता है ना वो कुछ प्रीपोजिशन से बनता है प्रीपोजिशन से मैंने आपको कल बताया था ठीक है जैसे आप देखें दे ठीक है दे डिड देखो दे डिड इन अ ब्यूटीफुल वे दे डिड इन अ ब्यूटीफुल वे देखो बेटा ये हुआ मेनर वे अच्छा असल में हुआ दे डिड ब्यूटीफुली ये मतलब था क्या हमारा एडवर्ब था ब्यूटीफुली। तो जब मेनर में आप लिखेंगे ना तो मेनर में आप देखें इसको चेंज करके लिखेंगे इस तरीके दे डिड इन अ ब्यूटीफुल वे अब ये पूरा आपका फ्रेज है इसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। क्यों एडवर्ब होता है क्योंकि ये वर्ब को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब से लग रहा है एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि देखो इन अ ब्यूटीफुल वे डिड इन अ ब्यूटीफुल वे तो वो वर्ड वो पार्ट ऑफ स्पीच जो एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करे एक्शन वर्ब को जो वो बताए डिस्क्राइब करे तो वो एडवर्ब फ्रेज जो वो कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। तो ये इस तरीके से हो सकता है विद भी हो सकता है इन भी हो सकता है मतलब कोई भी आप मतलब एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। तो इधर आपका कोई क्वेश्चन हो तो करें पहले फिर मैं आगे चलूं जैसे निकलो वो सवाल उठने वाले कोई भी एक क्वेश्चन हो तो मुझे पूछे अब एडवर्ब फ्रेज में आपको कौन सा इश्यू या प्रॉब्लम हो रहा है शाबाश जल्दी करें फिर पेपर भी बताना है आपको भी अभी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो बेटा आपको एडवर्ब फ्रेज के अंदर तो पूछे। हाँ डिटर्मिनर का मतलब देखें अच्छा जैसे आप देखें शी वेंट स्लोली डाउन द स्ट्रीट देखो शी वेंट स्लोली डाउन द स्ट्रीट डाउन द स्ट्रीट ओके डाउन द स्ट्रीट बेटा देखो अब ये डिटर्मिनर आ गया देखो द स्ट्रीट तो आप नाउन लगाएंगे या कोई ऐसा वर्ड होगा तब डिटर्मिनर आएगा ना। डिटर्मिनर्स देखो आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स होते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं दिस दैट देखिए शी वेंट स्लोली डाउन दैट स्ट्रीट शी वेंट स्लोली डाउन ओके ये नहीं हर स्ट्रीट या हर स्ट्रीट जो भी इस्तेमाल करें तो ये देखो डिटर्मिनर लगा हुआ है ये डिटर्मिनर है तो यहां से शुरू हुआ है क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करा है स्लोली डाउन द स्ट्रीट देखो ये पूरा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा और ऊपर वाला वर्ड जो है वो आपका यानी एडवर्ब हो जाएगा ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से आप खुद पढ़ना मैंने आपको असाइनमेंट भी दिए उसको भी देखे वो की नहीं है अभी तक देखो वरना मैसेज बहुत आते लेकिन आज शायद आपसे अभी तक ये हुई नहीं है अगर भेजता नहीं हो तो आप बोलते हो कि सर अभी तक हमें कुछ नहीं मिला जो मिला है तो आप मैं शिकायत कर रहा हूँ आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा की वगैरह नहीं आ रही है सोल्यूशन नहीं आ रहा ये हुआ बेटा एडवर्ब फ्रेज हुआ। इसके बाद देखो सेकेंड जो था एक यानी कल जो मैं लिख रहा था एब्सोल्यूट फ्रेज कौन सा बेटा एब्सोल्यूट फ्रेज एक एब्सोल्यूट फ्रेज है और दूसरा देखे इधर ही आप लिख लें जेरंड फ्रेज ठीक है एब्सोल्यूट फ्रेज और जेरंड फ्रेज। अब देखो दोनों में फर्क है बेटा इसमें क्या होता है मतलब कोई ना कोई हेड वर्ड होता है इसकी जो फॉर्मेशन होती है एब्सोल्यूट फ्रेज की जो जुमला बनता है फॉर्मेशन होती है इसमें जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मेशन कौन सी होती है मतलब कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आप इस्तेमाल करते हो यानी नाउन आप इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है हेड वर्ड के तौर पर ये अल्फाज हेड वर्ड के तौर पर जैसे सब्जेक्ट होता है ना ऐसे सब्जेक्ट मतलब हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इस्तेमाल नहीं होता फ्रेज के अंदर तो ये अल्फाज हेड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं मतलब जैसे हेड मतलब उनका जो मखसूस या पोजिशन है जो इनका मतलब वर्ड पहला जो बिगिनिंग वाला आता है तो ये हेड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर इनके साथ देखो पार्टिसिपल्स इस्तेमाल करते हैं देखो इनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं पार्टिसिपल्स इस्तेमाल करते हैं। अब फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करें या पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं ये जो होगा ना ये मॉडिफाई करता है ये इंफॉर्मेशन देता है
ये मतलब ज्यादा काज या रीजन पैदा करता है, सपोर्ट करता है जो बाकी सेंटेंस होता है उसको। ठीक है बेटा, कामा देंगे इधर, कामा देकर फिर सेंटेंस बनाएंगे, जो मतलब आपका एब्सोल्यूट फ्रेज होगा वो उसमें अल्फाज ऐसे आएंगे, फिर कामा देंगे, और ये जो मतलब मीनिंग देगा आपको सेंटेंस, ये जो सेंस देगा आपको वो कौन सा देगा, ये आपके सेंटेंस के लिए, सेंटेंस को जो मॉडिफाई करेगा ना वो किस मीनिंग से मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा कॉज वाली मीनिंग से, कोई कॉज देगा या कोई रीजन देगा। ठीक है, तब यानी ये क्या बनेगा, आपका एब्सोल्यूट फ्रेज बनेगा। एब्सोल्यूट फ्रेज इसीलिए क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, जैसे एडवर्ब्स होते हैं कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। फॉर्चुनेटली यू हैव बीन सिलेक्टेड, देखो अब ये फ्रेज नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि देखो ये पूरे सेंटेंस को किस तरीके से, फॉर्चुनेटली यू हैव बीन सिलेक्टेड, अब ये फॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस के लिए लगाए। तो इसी तरीके से एब्सोल्यूट फ्रेज जो होता है, जिसकी फॉर्मेशन, जिसकी स्ट्रक्चर या कंपोजिशन जो होती है आप देखें, वो इस तरीके से होती है, जो मैंने आपको तीनों अल्फाज ऊपर दे दिए। ठीक है, तीनों अल्फाज ऊपर दे दिए, और इसके अंदर क्या होता है, काज या रीजन होता है, इस सेंस में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, काज या रीजन होता है बेटा, तो उस सेंस में देखें ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मील कुक्ड, बेटा देखो मील कुक्ड, ये आप कामा दे दिया। अब देखें इसमें एक नाउन इस्तेमाल हुआ है, दूसरा पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है, मील कुक्ड शी प्लेस्ड या पुट, देखो शी प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो आप देखें मील कुक्ड शी प्लेस्ड इट ऑन द टेबल। बेटा अब ये देखो इसमें क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया, क्योंकि ऊपर देखो मैंने फॉर्मेशन दी है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन इस्तेमाल हुआ, ये देखो पास्ट पार्टिसिपल, मील कुक्ड, अब ये सब्जेक्ट के तौर पर अल्फाज नहीं है भाई, सब्जेक्ट कौन सा ये एक्शन कर रहा है, जरूरी नहीं है जो लफ्ज शुरू में इस्तेमाल हो सेंटेंस के शुरू में वो सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आई एम टीचर, अब मैं कौन सा ये सब्जेक्ट, कौन सा इधर काम कर रहा हूँ, या जो है वो यू हैव अ मार्कर, तो इसमें देखो, या पेन, तो इसमें यू जो कौन सा सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं है इधर, जरूरी नहीं है वो काम करने वाला, यानी आप देखें एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एज अ हेड वर्ड ये जो है अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे मील इस्तेमाल हुआ या कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रीजन भी देखो, जैसे मील की कुकिंग हुई है तो मतलब क्या उन्होंने किया, शी प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, इन्होंने टेबल पे रखा। ठीक है, तो देखिए रीजन हुआ है, ये रीजन है टेबल पे रखने का, यानी मील के यानी टेबल के रखने का ये रीजन है, कुकिंग जो है वो रीजन है। तो मैंने आपको कई फीचर्स या कई जो है वो क्लूज दिए हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए, मीनिंग का क्लू दिया है, फॉर्मेशन का क्लू दिया है, जो ग्रामेटिकली कौन से अल्फाज इसके अंदर लगते हैं वो भी मैंने आपको बताए। तो इस तरीके से देखो एब्सोल्यूट फ्रेज बनता है, कामा देंगे अलग बनाएंगे, इस तरीके से देखे ये अल्फाज जो दिए हुए हैं ये सारे आपके कौन से हैं, यानी एब्सोल्यूट फ्रेज के। कंपैरेटिवली आप देखें, मैंने इधर जो है वो क्या कंट्रास्ट में रखा है, कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भाई ये भी पार्टिसिपल है, शायद ये भी एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह होता है। बेटा देखिए, अब ये जेरेंड जो होता है ना, ये वर्बल नाउन होता है, जब नाउन नहीं होता, जब प्योर नाउन नहीं होता ना, तो वर्ब में से हम यानी जो आई एन जी इंग फॉर्म, जो प्रोग्रेसिव फॉर्म है ना, वो फॉर्म लगाकर जो वर्ड बनाते हैं उसको हम जेरेंड कहते हैं, और फिर वो नाउन के तौर पर काम करता है, एक्ट एज या वर्क एज ए नाउन, वो वर्क एज अ नाउन यानी नाउन के तौर पर काम करता है। जैसे हमने कई अल्फाज जो वो पढ़े, कई अल्फाज ऐसे पढ़े, देखे स्पीकिंग पढ़ाए, वॉकिंग पढ़ाए, डोइंग पढ़ाए, ठीक है, एंजॉइंग पढ़ाए, रीडिंग पढ़ाए, ऐसे अल्फाज जो भी आए इंग फॉर्म यानी जो प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाए, तो वो जेरेंड फ्रेज होता है। फ्रेज बनाना है, एक लफ्ज से फ्रेज नहीं होगा बेटा, जब तक इसके अंदर दो तीन अल्फाज नहीं होंगे तब तक देखो वो फ्रेज नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखें यानी इसको अगर हम फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल करें, पहले ये कि कौन सा फॉर्म होगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म हो, यानी वर्ब के साथ क्या हो, प्रोग्रेसिव फॉर्म हो तो आप इस्तेमाल करेंगे, यानी जेरेंड के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। कोई भी वर्ब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें वाक है, ठीक है, तो आप इसके साथ आई एन डी इंग एड करेंगे तो ये वॉकिंग हो जाएगा, और हम इसको कहेंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म, पहले भी हमने पढ़ा है, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गया। ठीक है, आई एन जिंग लगाने से ये एक्चुअली होता है क्या, जेरेंड, जो कि नाउन के तौर पर काम देता है। ठीक है, तो आप देखें इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया बेटा, देखें रीडिंग इन द लाइब्रेरी, ठीक है, रीडिंग इन द लाइब्रेरी, देखो
रीडिंग इन द लाइब्रेरी, ओके, रीडिंग इन द लाइब्रेरी, रीडिंग इन द लाइब्रेरी इज ईजियर, इज ईजियर देन देन दैट ऑफ अ क्लासरूम। ठीक है बेटा, देखो रीडिंग इन द लाइब्रेरी इज ईजियर देन, ये वर्ड ईजियर प्लीज करेक्ट कर देना, रीडिंग इन द लाइब्रेरी इज ईजियर देन दैट ऑफ अ क्लास रूम, क्योंकि हम रीडिंग को कंपेयर कर रहे हैं इसीलिए दैट ऑफ इस्तेमाल लगाया, लाइब्रेरी और क्लास रूम को नहीं कर रहे, ये अलग एक बात है। ठीक है, तो आप देखें ये पूरा फ्रेज हो गया, क्योंकि यानी इस पूरे मतलब अल्फाजों को जो मॉडिफाई कर रहा है वो रीडिंग कर रहा है, जो कि क्या है, यानी जेरेंड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, जेरेंड फ्रेज बोलेंगे। अब देखो यहाँ जो पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है और यहाँ जो पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा है जिसको आप जेरेंड कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है बेटा, इसका जो हेड वर्ड होता है एब्सोल्यूट फ्रेज का वो नाउन या प्रोनाउन फ्रेज, नाउन या प्रोनाउन का वर्ड होता है, जो नाउन और प्रोनाउन होता है। इधर जेरेंड देखो इसका हेड है, देखो ये, और उधर देखो कोई, यानी हमने शुरू में पार्टिसिपल वाला प्रोग्रेसिव वाला फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए देखो दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें, आप इसको और भी इस तरीके से ज्यादा क्लियर कर सकते हो, दूसरा क्लियर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, स्पीकिंग, देखो स्पीकिंग भाई हमें दो वर्ड्स चाहिए बस, स्पीकिंग जेंटली, देखो स्पीकिंग जेंटली टू द एल्डर्स, ओके, स्पीकिंग जेंटली टू द एल्डर्स इज अ गुड एटीट्यूड, तो देखो इज अ गुड हैबिट या एटीट्यूड, ठीक है ना। अब देखो स्पीकिंग जेंटली, अब इसके अंदर कौन सा जेरेंड फ्रेज आ रहा है, देखो ये जेरेंड फ्रेज होगी स्पीकिंग जेंटली, ये तो हमने जरूरी नहीं है कि ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करें, दस इस्तेमाल करें, तो आपका ये देखो ये फ्रेज होगी, तो इसके साथ यानी जो भी इस्तेमाल होगा प्रीपोजिशन, देखो जेरेंड जो बनता है मैंने आपको बताया, मैंने जेरेंड की कंपोजिशन आपको बताई है बेटा, प्रीपोजिशन के बाद जो पार्टिसिपल फॉर्म प्रोग्रेसिव फॉर्म है वो जेरेंड कहलाता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इंग फॉर्म कैरी करते हैं वो भी जेरेंड होता है, जैसे एंजॉय देखो, जैसे अप्रिशिएट देखो, जैसे अवॉइड देखो, जैसे कीप देखो बेटा, जैसे स्टॉप, मतलब ऐसे कई अल्फाज हैं जो आई एन जी इंग फॉर्म कैरी करते हैं वो जेरेंड होते हैं, और उनके बाद अगर कोई वर्ड आप एड करेंगे तो उसे भी हम मतलब जेरेंड फ्रेज के अंदर कंसीडर करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक है ना, आप इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये आखिर में भी ऐड हो सकते हैं, सेंटेंस के बाद में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन के तौर पर काम करता है, तो इसके साथ इसको मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं या इसको क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स अगर इसके साथ लगेंगे ना तो एक से ज्यादा वो फ्रेज हो जाएगा। एब्सोल्यूट के अंदर भी ये अल्फाज, अगर तीनों अल्फाज आ गए या दो अल्फाज आ गए, नाउन और पार्टिसिपल आ गए, तो ये फ्रेज हो गया, ठीक है। इसके साथ भी अगर कोई प्रीपोजिशन एडवर्ब या कोई ऐसा वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया तो ये फ्रेज हो गया, इसको फ्रेज कहते हैं। देखो एब्सोल्यूट और जेरेंड फ्रेज में दोनों में फर्क है, ये नाउन के तौर पर काम करता है और ये नाउन के तौर पर नहीं, नाउन या प्रोनाउन एक अलग प्योर वर्ड्स होते हैं जो हेड वर्ड के तौर पर सेंटेंस की शुरू में आते हैं। इसमें भी देखो एब्सोल्यूट फ्रेज में भी देखो ये सेंटेंस पहले इस्तेमाल करें, एब्सोल्यूट फ्रेज बाद में इस्तेमाल करें तो भी ये दुरुस्त हो जाता है, तो ये मतलब आपके दोनों इस तरीके से हो गए, समझ में आ गया ये दोनों, ठीक है, ये हो गए। अच्छा इसके अलावा और कौन सा फ्रेज रह रहा है आप मतलब भेजें प्लीज, जो हमने पढ़ा है उसी में से आपको मतलब मुझे याद नहीं है, आप बताएं कौन सा फ्रेज रह रहा है अभी, जल्दी करें, इसके बाद हमने सारे पढ़ लिए या अभी कोई फ्रेज रह रहा है, हा? अच्छा तो आप देखें इसके बाद इधर ही पढ़ लेते हैं बेटा, देखें एपोजिटिव फ्रेज जो है वो देखो, एपोजिटिव फ्रेज जो है ना हम इधर ही पढ़ लेते हैं। अब एपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, एपोजिटिव फ्रेज से मुराद ये कि जो आप नाउन इस्तेमाल करते हो ना सेंटेंस के अंदर, उस नाउन को रीनेम दें, उसको कोई सेकेंड नेम दें, उसको डिस्क्राइब करें, उसके बारे में जो है वो ज्यादा बताएं,
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए पॉजिटिव फ्रेज कहते हैं। बेटा आप देखें, कोई भी मतलब नाउन आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो ना, आप देखें द ताजमहल, ये आपने इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल किया नाउन, ठीक है। अब आप इसको मतलब कोई रीनेम दें कामा लगाकर, खास तौर पर जब प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होता है ना, तब हम ए पॉजिटिव फ्रेज को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और अब इसको सेकेंड नेम देते हैं, दूसरा नाम इसको देते हैं। दूसरा नाम इसका कौन सा, एन ओल्ड, एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल प्लेस। देखो एन ओल्ड एंड बेटा, एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल प्लेस, एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल प्लेस, दोबारा कामा देंगे। अब इसके दो नाम हो गए, कौन से दो नाम हुए, मतलब रीनेम। रीनेम से मुराद जो आप कामा के अंदर लिखे उसको, वो डिस्क्रिप्शन हो, जो नाउन आपने दिया है, ताजमहल आपने नाउन दिया है, इसको आपने डिस्क्राइब किया है कामा लगाकर सेपरेट करके, एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब ये इसका दूसरा नाम है, सेकंड नाम है, नाउन को रीनेम किया है आपने, तो ये आपका एपोजिटिव फ्रेज हुआ, ठीक है। जो हम कामा देकर सेपरेट करें नाउन को या प्रोनाउन को, दोनों, जब नाउन की बात आए ना, समझ लें कि वहां प्रोनाउन भी है, बस ये जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन पता है, जब भी नाउन की बात जिस जगह भी आए सेंटेंस के अंदर, समझ लें कि उधर प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो आप देखिए, ताजमहल एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल प्लेस, ओके, इज या नीड्स रिपेयर, नीड्स रिपेयरिंग या रिपेयर्स, बेटा देखो ये हो गया, ठीक है। तो ताजमहल एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल प्लेस नीड्स रिपेयर्स, तो हमने उसके साथ वर्ब लगाया। तो आप देखें इधर, अब आपको जो भी नाउन लगाए, आप जो भी नाउन, अपना नाम लिखकर अपने नाम को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करें, आप क्या हैं भला, आप अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में जो रीनेम देकर बताएंगे, मिसाल के तौर पर कोई अपना नाम लिखे तो उधर यानी आप अपने के लिए लिखें कि भाई मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हुआ, सेकेंड नाम हुआ, जो कि एपोजिटिव हो गया। तो आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में लिखेंगे, उसको सेकेंड नाम देंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, वो बेटा एपोजिटिव फ्रेज हो जाए, समझे, वो एपोजिटिव फ्रेज हो जाएगा। तो ये तीनों फ्रेजेस हो गए मेरे ख्याल में, सारे फ्रेजेस आपके मुकम्मल हो गए। फ्रेजेस में तो अब कुछ नहीं रहता ना, अब कोई और फ्रेजेस में है, अब कोई बेटा देखिए, अगर कोई और चीज रह रही है तो बताएं, शाबाश, नहीं तो आगे चले। अच्छा, इन्फिनिटिव फ्रेज है, देखो इन्फिनिटिव फ्रेज के अंदर जो इन्फिनिटिव फ्रेज है बहुत आसान है, कोई इश्यू थोड़ी है इतना। देखो इन्फिनिटिव फ्रेज में क्या होता है, यानी एक तो ये कि इन्फिनिटिव बनता किसे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये इन्फिनिटिव हो जाए, ये इन्फिनिटिव वर्ब होगा, फ्रेज नहीं है। अब इसके साथ प्लस, प्लस आप जो ऐड करें इसके साथ, देखो प्लस जो ऐड करें, एडवर्ब ऐड करें, ठीक है ना, आप नाउन ऐड करें, आप प्रोनाउन ऐड करें, ये ऐसे अल्फाज जो आएंगे ना, वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगा। सुने, यानी इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या ऐड करें, यानी एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन ऐसे अल्फाज अगर आप एडवर्ब इनके साथ ऐड करेंगे ना, तो ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, यानी शी इंटेंड्स टू डू समथिंग या टू डू समथिंग, देखो अब ये आपका क्या हुआ, शी इंटेंड्स टू डू समथिंग, अब ये पूरा जो है वो आपका क्या हुआ, इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया, शी इंटेंड्स टू डू समथिंग, ये यानी आपका इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया बेटा, क्योंकि आप इधर कोई भी नाउन इस्तेमाल, समथिंग प्रोनाउन है, समथिंग क्या है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट इसका होगा, यानी वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट आप जो भी इस्तेमाल करेंगे वो आपका इन्फिनिटिव फ्रेज में आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा बेटा, वो इन्फिनिटिव फ्रेज में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी इस्तेमाल करें, जैसे आप देखें, दे वांट टू अचीव, अब ये वो इन्फिनिटिव, खाली इन्फिनिटिव वर्ब हुआ, दे वांट टू अचीव सक्सेस, ठीक है। अब आप देखें सक्सेस ये नाउन आ गया, अब
यहां से लेकर यहां तक ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया, दे वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, ठीक है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। ओके, तो आप मतलब जो भी वर्ड इन्फिनेटिव के साथ सेकंड वर्ड एड करेंगे तो ये फ्रेज बन जाएगा। अकेला वर्ड होता है तो खाली इन्फिनेटिव होता है, प्लस आपको कोई ना कोई एड वर्ड जो वो करना पड़ेगा, ठीक है। दे हैव टू वर्क, ठीक है, दे हैव टू वर्क, देखो दे हैव टू वर्क डिसेंटली, देखो दे हैव टू वर्क डिसेंटली, देखो ये इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया, दे हैव टू वर्क डिसेंटली, ये इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया। तो मुश्किल थोड़ी है इसके अंदर कि हम जो वो मतलब उसको इतना कॉम्प्लिकेट करें कि हमें पता भी ना चले। मैंने ऊपर देखो अल्फाज दे दिए कंपोजिशन वाले, वो अगर कंपोजिशन आप रखेंगे तो वो आपको यानी इन्फिनिटिव फ्रेज मिलेगा। देखो समथिंग मैंने प्रोनाउन इधर रखा है, या और भी कोई इट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी प्रोनाउन नजर आए आप इस्तेमाल करें। नाउन देखो ये पढ़ा है, ये एडवर्ब पढ़ा है, ऐसे सेंटेंस आपका लॉन्ग भी हो सकता है। तो इन्फिनिटिव के साथ आप कोई ना कोई वर्ड एड करेंगे तो वो इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। शाबाश जल्दी बेटा, ये तो करवा लिए नहीं, ठीक है ना। अब तो ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा, ये शायद हमने कल नहीं किए थे, कल नहीं किए थे क्या, ठीक है ना। अच्छा देखिए बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव जो फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज में एक तो देखो जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एक तो वो पार्ट ऑफ स्पीच खुद होता है वर्ड, और उसके साथ बाकी अल्फाज लगाएंगे तो वो फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव के साथ आप एडवर्ब्स लगाएंगे या कोई डिटरमिनर, देखो इसके साथ यानी इंटेंसिफायर होते हैं। एडजेक्टिव का जो इंटेंसिफायर होता है ना वो एडवर्ब होता है। अगर मैं इंटेंसिफायर लिखूं तो आप बोलेंगे सर ये फायर का क्या है, तो फिर तो आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता नहीं है। तो आप भले देखिए एडवर्ब आप एड करें, ठीक है ना, एडवर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके साथ डिटरमिनर एड कर सकते हैं, प्लस आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, समझे बेटा, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, शी इज, देखो शी इज एक्सट्रीमली, देखो शी इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड या टायर्ड, जो भी इस्तेमाल करें, देखें शी इज एक्सट्रीमली टायर्ड, ठीक है, शी इज सो टायर्ड, शी इज टू टायर्ड, शी इज मच टायर्ड, ये सारे क्या है, ये एडवर्ब्स हुए। अब ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ आपका। एडवर्ब लगाए, ये डिटरमिनर भी लग सकता है, ठीक है, डिटरमिनर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, शी हैज, देखो बेटा शी हैज अ गुड, शी हैज अ गुड बुक, अब ये अ गुड ये आप अंडरलाइन करें इधर, अगर इसको साथ बुक एड करेंगे ना तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। यहां तक अ गुड बस, अभी डिटरमिनर है, आर्टिकल है, दो लफ्ज हो गए ना, तो आप देखें ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। नाउन को देखो हमने नहीं किया इंक्लूड, अगर नाउन आपने इंक्लूड कर लिया अंडरलाइन तो ये हो जाएगा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगा। बेटा डिटरमिनर्स मैंने अल्फाज आपको बहुत बताए थे, डिटरमिनर के अंदर देखो मैंने उस दिन भी अल्फाज कितने बताए थे। डिटरमिनर के अंदर देखें आपका आर्टिकल जो आता है, डिटरमिनर्स में देखो आर्टिकल जो होता है, द भी डिटरमिनर आता है, ए और एन भी आता है, पजेसिव्स जो वर्ड्स होते हैं, पजेसिव्स, पजेसिव्स जो भी है बेटा वो डिटरमिनर। पजेसिव दो टाइप्स के, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, जैसे माय देखो, आवर देखो, यूअर देखो बेटा, ठीक है, डियर देखो, हिज देखो, ठीक है, हर या इट्स, ये मतलब देखो ये डेमोस्ट्रेटिव्स होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स जो होते हैं वो भी देखो, यानी ये मतलब क्या, अब तो मैं नाम ही भूल गया, डिटरमिनर्स, ठीक है, जिसमें आप देखो दिस, दैट, दीज, दोज, ये इस तरीके से ये डिटरमिनर्स होते हैं। कभी नो, ईच वगैरह देखें, ऐसे अल्फाज जो है वो डिटरमिनर्स होते हैं, तो ये लगेंगे ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज इस तरीके से, और कुछ भी नहीं। देखो शी हैज अ गुड बुक, तो आप देखें कोई भी आप मतलब नाउन के साथ, जाहिर है डिटरमिनर तब आएगा जब नाउन आएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे, जिसे ये सारे नाउन्स के साथ लगने वाले हैं, नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इसके बाद देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है, आप प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप कह रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज,
प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो अब प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, यानी एक तो वर्ड खुद होता है जो जिसका नाम है वो तो होगा होगा, आपको सिर्फ एक दो अल्फाज और ऐड करने और फ्रेज हो जाएगा। एक तो प्रीपोजिशन होगा प्लस आप जब उनके साथ यानी क्या प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट कैरी करता है बेटा। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जाहिर प्रीपोजिशन नाउन कैरी करेगा या प्रोनाउन कैरी करेगा, जब भी नाउन का नाम लिया जाता है तो आप देखें ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन अल्फाज कौन से होते हैं, ठीक है ना, आप देखें इन, एट, ऑन, फ्रॉम, ठीक है ना, या ऑफ, या जो अंडर, बिलो, मतलब कई ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, फिर वो नॉन लिविंग हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, लिविंग हो, जो भी हो उसके साथ आप ऐड करेंगे ना तो वो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। जैसे आप देखें फ्रॉम बुक, ठीक है, जैसे वी आर लर्निंग फ्रॉम बुक, फ्रॉम अ बुक। अब देखो ये क्या हुआ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इस यहां से इंक्लूड करते हो तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि आप देखो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। प्रीपोजिशनल क्या बन गया, यानी फ्रेज बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। या देखें, अच्छा बर्ड्स आर सिटिंग, देखो बर्ड्स आर सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द बर्ड्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। बेटा देखो अंडर प्रीपोजिशन हुआ, ट्री देखो इसके साथ ऐड किया हमने, हालांकि देखो इसके अंदर ये जो फंक्शन करता है एडवर्ब टाइप होता है, आप थोड़ा ऐसे बताएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जरूरी नहीं है वो सारी बातें समझना, क्योंकि थोड़ी प्लेस वगैरह की मीनिंग सेंस जो होता है, फंक्शन जो होता है, अदरवाइज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है ना। तो देखो बर्ड्स आर सिटिंग अंडर द ट्री, अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, क्यों ये नहीं हुआ, क्योंकि अंडर प्रीपोजिशन हुआ और ट्री देखो इसका ऑब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ, इसीलिए हम इसको यानी क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। तो ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज, देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, ये अल्फाज आने चाहिए आपके, और प्रीपोजिशन क्या है, ये इस तरीके से ये आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स प्लीज, ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब तो देखो वो शीट है, पेपर है, वो कल एक्सप्लेन करेंगे बेटा, अब तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा अगर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। हाँ एब्सोल्यूट बेटा, देखें पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल आप ऐड करेंगे, और प्लस नाउन हेड वर्ड होता है, शुरू जो बिगिनिंग होती है ना एब्सोल्यूट फ्रेज की वो नाउन या प्रोनाउन से होती है, ठीक है, फिर फाइनाइट वर्ब ना इस्तेमाल करें, उसके बाद पार्टिसिपल वगैरह वर्ब कोई जो है ना आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट फ्रेज बन जाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रेज आपका बन जाएगा, यानी फॉर्मेशन उसकी ऐसी है। आप खुद अब मैंने तो आपको सेंटेंसेस शीट के अंदर भी बहुत दिए, वो रीजन या काज जो अंदर और पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, वो एब्सोल्यूट फ्रेज जो होता है पूरे सेंटेंस के बारे में बताता है, वो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है। ओके, तो अब मुझे जो पेपर बाकी मैंने दिया वो एक्सप्लेन में बाद में करूंगा, अब टाइम लगेगा उसमें, 30 मिनट का वो, 30-40 मिनट की एक्सप्लेनेशन है वो, तो सर का क्लास है, आप वो क्लास में इंशाल्लाह कल दे दो।